पाकिस्तान में पख्तून, बलूच और अन्य जनजातियों पर अत्याचार को छिपाने की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में अनेक संगठनों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करने की अपील की है। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए यूरोपीय संघ ने कहा कि निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। भारत और आइसलैंड ने आज सतत मत्स्य विकास और 2019 से 2022 के दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आइसलैंड ने भारतीय राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा से छूट देने की भी घोषणा की। आइसलैंड में रिकजविक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहनसंस की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। એટલે કે 810 કિલોહર્ટ્ઝ પર આકાશવાણીનું આ રાજકોટ કેન્દ્ર છે। રાત્રિના 11:10 થઈ છે। આ સાથે જ અમારી બીજી સભાની પ્રસારણ યાત્રા અહીંયા સમાપ્ત થઈ છે। આવતીકાલે સવારે પ્રથમ સભાના આરંભે 5:55 આ જ મીટર્સ પર અમે આપને ફરી મળીશું। અત્યારે રજા આપશો। નમસ્કાર, શુભ રાત્રિ, જય હિન્દ।